نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. ما كان يظن من جو کوئی کانا ہے یا ظن گمان کرتا یا سمجھتا ان یہ کہ لن ہرگز نہیں ینصرہ مدد کرے گا اس کی ینصر مدد کرے گا وہ اس کی کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ठीक है यहाँ पे चूंकि बात अब देखिए हमें पता चल जाना चाहिए ना नाम नहीं भी लिखा पीछे तस्करा भी नहीं है लेकिन प्रोनाउंस पता चल जाता है कि अगर किसी एक बंदे की बात हो रही है तो जारी बात है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही हो रही है खास तौर पर कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाती है तो जो कोई ये समझता है कि अल्लाह ताला अपने नबी की मदद नहीं करेगा दुनिया दुनिया में वल आखिरती और आखिरत में तो उसको क्या हल बताया कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर इतना गज़ब है और बोग्ज है कि तुम अल्लाह ताला की नुसरत को नबी सल्लम के लिए बिल्कुल ज़ीरो समझते हो तो फिर ऐसा करो फल यमदुद बस चाहिए कि वो दराज कर ले फा बस ला चाहिए यमदुद कि वो दराज कर ले बी सबबिन एक रस्सी सबबुन का मतलब रस्सी होता है ठीक है रस्सी एक सबब होता है ना जरिया होता है इलसमाई आसमान की तरफ सुम्मा फिर ला चाहिए यक़्ता कि वो काट डाले फल या जोर पिस चाहिए कि वो देखे अरबी जुबान में फा का मतलब फिर या पास होता है सुम्मा का भी फिर होता है और लाम का मतलब जो होता है ना लाम लाम इसका मतलब होता है चाहिए फल या जोर बस फिर चाहिए कि वो देखे हल क्या युद्ध ही बनना कि वाकई ले जाती है कई दो कई तदबीर हो उसकी इसकी यानी जो अल्लाह के नबी के बारे में तदबीर बना रहा है माँ इस चीज को यगीर जो गुस्सा दिलाती है सबसे पहले तो लफ्सी तर्जमा हमें आना चाहिए सही से फिर हमें तफसीक भी समझ आ जाती है प्रोनाउंस ही दोनों जगह पे यूज हुआ है लेकिन हमें थोड़ा सा ख्याल रखा है और समा उन जो है यहाँ पे समा ही है ना तो समा आसमान को भी कहते हैं और आसमान को बुलंदी समा का असर मतलब बुलंद होना होता है इसलिए बादल को भी समा कहते हैं छत को भी समा कहते हैं हमारा जिस छत के नीचे हम बैठे उसे भी और आसमान को भी समा कहते हैं अभी सैती तफसीर जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नकल की है ना तिब्री में तिब्री रहिमहुल्लाह ने इब्ने अब्बास से नकल की है उसका मतलब ये है कि जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करेगा
तो वो क्या करे, छत से रस्सी बांधे, फिर इसके साथ फांसी लेकर अपना गला घूंट ले, मर जाए। ठीक है, मर जाए। हो सकता है कि इससे उसका गुस्सा और हसद की आग बुझ जाए। यानी तुम जो मर्जी कहो, करना तो अल्लाह ने मदद करनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम्हारे अंदर हसद बढ़ता जा रहा है, तुम ऐसा कर लो। अगर तुम्हें यकीन ही ना आ रहा तो जाओ दीवारों के साथ, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा तुम्हें यकीन ही ना आ रहा तो जाओ अपना सर फिर मारो, जाके दीवारों में मुझे तंग ना करो, ऐसे कहते हैं ना हम। इस तरह अल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं ना कि अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेगा ना, कि इतनी वही आ रही, इतनी मदद कर रहा अल्लाह, और आखिरत में भी करेगा करेगा, तो फिर जाओ आसमान पर ये छत पर रस्सी लटका के उसके साथ लटको और फिर काट दो और फिर मर जाओ। हो सकता है ना तुम्हारा हसद खत्म हो जाए। ये एक तफसीर है इसकी। ठीक है, अब दूसरी तफसीर जो है क्या है, दूसरी तफसीर भी सही सनद के साथ नकल की गई है कि जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में नबी सल्लम की कभी भी, या उसकी यानी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में भी, अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप पहले देखें फिर दूसरी तफसीर देखते हैं। पहली तफसीर के मुताबिक कि जिसमें हमने हु या अनसुर हु में हु का तर्जमा किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इस तफसीर में एक ये भी बात कही जाती है कि ये जो रस्सी लटकाने वाला काम है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि आसमान पर तुम रस्सी लटकाओ, ठीक है, और जाके वही का सिलसिला मुनकते कर दो, अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है ना तो ये काम कर लो, फिर अल्लाह के नबी की मदद नहीं आएगी। वाकई अभी तो तुम बस कहते हो ना मदद नहीं आएगी, अभी तो तुम्हें यकीन ही नहीं है और ना ही तुम्हारे पास ऐसे पुख्ता जराए हैं कि तुम पता करा सको, तो नबी सलम की तरफ तो वही आती रहेगी, आती रहेगी, चाहे तुम ये काम कर लो कि आसमान के साथ रस्सी लटका कर उसके ऊपर चढ़ कर वही का सिलसिला मुनकते कर दो, फिर भी तुम्हारी ये चाल काम नहीं आएगी। तुम्हारी ये चाल तुम्हें कामयाब नहीं करेगी। ठीक है, अब ये नबी सलम के हवाले से दोनों दोनों जो है तफसीर है। एक तफसीर में कहा गया है कि हु से मुराद इंसान खुद है, तो कहते हैं जो शख्स अपने रिलेटेड ये गुमान करता है कि अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में इसकी कभी मदद नहीं करेगा, उसे कभी रिस्क नहीं देगा, तो क्या करे, ऊपर की तरफ रस्सी लटका कर अपना गला घूंटे और फिर देखे। यानी जो शख्स अल्लाह की मदद पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं, ना उम्मीद है, ऐसे ना उम्मीद को शख्स को चाहिए कि वह फांसी लेकर मर जाए और फिर देखे इसकी उम्मीद आती है कि नहीं। ठीक है, बात ही नहीं मान रहा अल्लाह की, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो फिर जाए टकने मारे जा कि जो मर्जी करे हमें कोई परवाह नहीं है, ये जब बात ही नहीं सुन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल हमें कहा जा रहा है कि चुप करके बात तो सुनो, जो अल्लाह सुबहान तआला ने कहा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो बरहक है, अल्लाह अपने नबी की मदद जरूर करेगा और वो पहले भी कर रहा है और अब भी करेगा। शाह अब्दुल कादर रहिमहुल्लाह इसकी तफसीर में लिखते हैं कि कहते हैं कि दुनिया की तकलीफ में जो अल्लाह ताला से नाउम्मीद होकर इसकी बंदगी छोड़ दे, और झूठी चीजों की पूजा करे जिनके हाथ में ना बुरा है ना भला, तो वो अपने दिल को समझाने तसल्ली देने के लिए ये सूरत कयास कर रहे कि जैसे एक शख्स ऊपर लटकती रस्सी से लटक रहा है, अगर चढ़ नहीं सकता तो तवक्का तो है ना कि रस्सी ऊपर खींचे तो चढ़ जावे, जब रस्सी तोड़ दी फिर क्या तवक्का, तो रस्सी कहाँ है, अल्लाह ताला की उम्मीद को, और उस रस्सी को आसमान की तरफ ताने यानी ऊंचा ऊंचान की तरफ, यानी कि तुम अपनी तुम्हें यकीन नहीं है ना कि अल्लाह ताला मदद करेगा, तो फिर वो अपनी जो रस्सी आसमान की तरफ उम्मीद की लटकी होती है ना उसको काट दो, अगर तुम्हें वाकई उम्मीद नहीं है तो फिर चुप करके बैठो अपने काम करो, हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। ठीक है, वकजा लिखा, और इसी तरह आंजलना हो नाजिल किया हमने उसे आयातिन आयात बजीनातिन वाज शक्ल में,
अन्नर बेशक अल्लाह अल्लाह यहदी हिदायत देता है मन जिसे युरीदु वो चाहता है। हिदायत अल्लाह का काम है और ये मिलती भी उसको है जिसके लिए अल्लाह चाहता है, हर एक को नहीं मिल जाता। पिछली आयत की तफसीर आपको समझ आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगली आयत में तरह फरमाते हैं कि जिस तरह हमने मुख्तलिफ दलाइल के साथ पीछे आयात वाजे की हैं कि अपनी हुज्जत वाजे की है कि जो लोग मरने के बाद इन्हें जिंदा करने पर हमें कादर नहीं मानते, हम पर ईमान नहीं लाते, इसी तरह हमने ये पूरा कुरान नहायत रोशन आयात की सूरत में उतारा है। ये लोग ईमान लाएं या ना लाएं, दलाइल सबके सामने हैं। और फिर कहा गया कि अगर कोई हिदायत हासिल करना चाहता है तो उसको अपने अंदर इखलास पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिससे तक गुमराह कर देता है, लेकिन इखलास इंसान का शर्त होता है। ठीक है, तो इंसान अपने बलबोती पे ये नियमत हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई लोग हिदायत की तरफ नहीं ना आता, मसलन अगर हम किसी को बताते हैं सीधा रास्ता या तौहीद का रास्ता बताते हैं, या फिर हम वाजे कर रहे होते हैं कुफर और शिर्क को, तौहीद को बहुत अलग अलग तरीके के साथ, लेकिन कुछ लोग उसको समझते नहीं है और उसको अपने अंदर रासिख करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस रास्ते को छोड़ देते हैं, या फिर वो हक की जो बातें उनको समझ आ रही होती हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो वहां से चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो इंसान ही ना समझे, वो इंसान ये ना समझे कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है, वो ये समझे कि रब ने उसको तौफीक ही नहीं दी, अल्लाह ने उसको ये उसके लिए रहमत नाजिल ही नहीं की कि वो हिदायत हासिल करे। तो अल्लाह ने आज आपको तौहीद परस्त बनाया और आज के याद भी सारी जो है ना शेख से और तौहीद से रिलेटेड है, इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। अल्लाह ताला ने हमें तौहीद परस्त घरानों में पैदा किया, या फिर हम तौहीद परस्त घरानों में नहीं थे, रबुल आलमीन ने कुरान की समझ और कुरान के फजल और कुरान की रोशनी में हमें हक और बातिल को पहचानने की आंख दी, तो ये अल्लाह की नेमत है। आप कुरान को थाम कर अपने अंदर तब्दीली लेके आ रहे हैं ना, समझे, ये आयत आपके लिए है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और आपके लिए अल्लाह ने चाह लिया है। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह हमारे लिए कोई चीज चाहे और हमें मिले जो सबके पास ना हो। इस आयत को महसूस करें, साथ साथ अपने आप पर गौर करें कि हम कुरान को पकड़ने से पहले कैसे थे, हमारे अकायद कैसे थे, हमारी सोच कैसी थी, हमारे अखलाक, हमारी आदात कैसी थी, और अब अल्लाह ने कुरान के जरिए हमें कितनी खूबसूरती अता की, दीन की समझ अता की, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह हिदायत भी उसी को देता है। अल्लाह ताला की मोहब्बतें कितनी वाजे होती हैं, अल्लाह की हर रहमत और नेमत पुकार के कहती है कि देखो अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। एक है अल्लाह की बंदों से सबके सबसे मोहब्बत, और एक खास बंदों से मोहब्बत है। वो मोहब्बत, खास मोहब्बत क्या है? जिसको दीन के समझ आ जाए, वो खास मोहब्बत। इसलिए जब आप ये रास्ता चूज करते हैं तो इस रास्ते के अंदर
बहुत सी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं जो आप बचपन में नहीं सीख पाए, जो आपके कायद से बिल्कुल डिफरेंट है, जो हक है लेकिन आपको नहीं मिला था। अगर आप मिल रहा है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, समझना है। अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो बहुत ऑपोजिट है मेरी सोच के, ये क्यों बताया गया, ये इसको इतना एलेबोरेट क्यों किया गया, ये इसकी इतनी डिटेल क्यों बताई गई। मेरी तो सोच, मेरा अकीदा, मेरी सब बातें से अपोजिट है, ये लोग कोई और है। ये आप देखें कि जो कुरान कह रहा है या हदीस कह रही है उससे फिर किसी को कंपेयर ना करें। वन अल्लाह मयूरी चाहता है हिदायत देता है। अगर अल्लाह ने आपके लिए हिदायत का रास्ता चूज कर लिया तो फिर उस पे सब्र करें। जी, सवाल है कि जो इतने अरसे के बाद भी कुरान में रेगुलर नहीं हो पा रहे, इनको फिर हिदायत नहीं मिली। बात यह है कि लेवल्स होते हैं ना, जो बंदा मेहनत करता है उसका लेवल बढ़ जाता है। और दूसरी बात, सिंसियर होने की बात है, जो जितना सिंसियर होता है अल्लाह ताला उसको उतना अता करते हैं। जाहिर बात है कि कुरान पर अमल नहीं हो रहा तो हिदायत नहीं मिली ना। हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत इरशाद, हिदायत तो हिदायत तौफीक। इल्मी हिदायत तो मिल रही है, अमली हिदायत नहीं मिली। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सिखा कर, समझा कर अमल की तरफ रागिब करना, हम लिखने तक ना रहें, ठीक है, लिखने तक ना रहें, अमल तक जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो यहूदी बने, हादू यहूदी बने, वो सौबीना और साबी, वन्नसौरा और नसारा, वल्माजूस और माजूसी, वल्लज़ीना अशरकू और जिन्होंने शिर्क किया, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम, बेशक अल्लाह फैसला करेगा दरमियान इनके, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब गवाह है। अब यहाँ पे एक अल्लाह सुबहान ताला मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में ये समझते हैं अच्छा कि ये जो बता रहा है ये सही नहीं बता रहा। ये इनको लगता है कि सब ऐसे ही कबूल कर लिए जाएंगे, ये जो इख्तलाफात है इनका रिजल्ट नहीं आएगा, अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करेगा। पिछली आयत में ईमान वालों के अलावा मुख्तलिफ लोगों का जिक्र हुआ, कुछ क़यामत के मुनकिर रहे, कुछ किनारे पर रहकर इबादत करने वाले, कुछ अल्लाह के साथ शरीक बनाने वाले। तो इस पर ये सवाल पैदा होता है कि इतने मुख्तलिफ अकायद के लोग अपनी अपनी बात पर इस कदर पोख्ता है कि अल्लाह के बारे में जो वाज दलायल है ना उसके बावजूद भी वो अपनी बात नहीं छोड़ते। जो बंदा शेयर कर रहा है उसको आप बड़े बड़े दलाए भी दे रहे हैं, वो अपनी बात फिर भी नहीं छोड़ता। तो आखिर कभी इनके झगड़े का फैसला भी तो होगा ना। तो फरमाया, यस, इनके झगड़े का फैसला जरूर होगा। कब होगा? अल्लाह कियामत के दिन करेंगे, जब मोमिन जन्नत में और काफिर जहन्नम में जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में इनके हाकिया बातिल होने का फैसला नहीं हुआ, यकीनन हुआ था। कुरान के अंदर, कुरान का नाम ही फुरकान है, कुरान ने तो सब वाजे कर दिया, बहस खत्म कर दी। लेकिन आखरत के अंदर वाजे तौर पर, आखरत के अंदर तो फैसला सुनाया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि ये है हकीकत, इसको कबूल कर लो, ठीक है। लेकिन दुनिया के अंदर हम कबूल नहीं करते ना, तो फिर अल्लाह ने कहा ठीक है, नहीं कबूल करना, लेना अमाल वाला अमाल, मैंने भी इनको कह दीजिए तेरे लिए तुम्हारे अमाल, मेरे लिए मेरे अमाल है, जो जो चाहते हो वो करो, क्यामत का दिन दूसरी जगह फ्लोट कराना है, फिर तुम्हारा हिसाब किताब होगा। अब आपको यहूदी और नसारा के बारे में तो पता होगा ना,
और साबी कहते हैं बेदीन को जिसका कोई भी दीन ना हो। और मजूसी किसे कहते हैं? मजूसी कहते हैं आतिश प्रस्त, जो दो खालिक को मानता है। आपने पढ़ा होगा खालिक खैर और खालिक शर, यजदा और अहरमन। और ये लोग अपने आप को जर्तिश का पैरोकार समझते हैं, किसी नबी का नाम भी लेते हैं। और पता नहीं ये लोग पहले इब्तदा से ही मुशरिक थे, हो सकता है किसी नबी को मानने वाले होते और फिर बाद में इनकी मजीद जो है सूरतें बनती गई। और इन्होंने मजहब और इखलाक को पूरी तरह मसख किया हुआ है। इनके इखला इनके मजहब के अंदर इखलाक की बातें इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है, इवन के बहन के साथ निकाह को भी जायज करार दे दिए इनकी अकीदे के अंदर। अल्लाह वल्लज़ीना अशरकू से मुराद मुशरिक है, अरब और दूसरे मुल्कों के वो मुशरिक जिन्होंने इन ग्रोहों में से किसी का नाम इख्तियार नहीं किया लेकिन गायें और बुतों की पूजा करते हैं। तो कुरान ने इन्हें क्या कहा? मुशरिकीन। वल्लज़ीना अशरकू, जो अल्लाह के नबी के दौर में थे। और शिर्क की कोई ना कोई अलामत या किसी ना तरह शिर्क हर मजहब में पाया जाता है, और जिसके दिल में शिर्क राई के दाने के बराबर भी होता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल नहीं करते। तो शिर्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हम अपने अखलाक में भी शिर्क चढ़ाते हैं, अल्लाह ताला को जो है अल्लाह के साथ औरों को भी तसव्वुर कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला इसीलिए फरमाती हैं अल्लाह अला कुल्ली शय शहीद, क़यामत के दिन अल्लाह के लिए फैसला करना बहुत आसान है, वो हर चीज़ के लिए खूब गवाह है। दुनिया के अंदर आप सोचोगे कि हम आज ऐसे कर रहे हैं तो क़यामत के दिन कौन से इतनी भी बात नोट होगी। बस इतना याद रखिए शहीद है वो, खूब खूब गवाही देने वाला। और अगर उसकी गवाही सबके सामने आ जाती है किसी के बारे में, तो कोई भी चीज़ उससे छुपती नहीं है, वो तकदीरों को जानने वाला है। तो आज हमने बेसिकली सीखा तौहीद और शिर्क। अगली आयत के अंदर भी तो यही है कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा करते हैं, तो इसके बारे में तफसील से कल पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका बेसिकली इसको आयत को पढ़ने से पहले इसका खुलासा देखते हैं कि यहाँ पे जो बात हुई है ना सजदे की बातें हुई है कि सजदा जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को करते हैं तो फिर उनका क्यामत का दिन क्या हाल होगा। अभी यही है कि आज के समय में जो आपके करीबी लोग हैं जो शिर्क में मुबतला हैं, आप उनको तौहीद के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, उनके लिए दुआ करें। जितने लोग आपकी वजह से तौहीद परस्त होंगे आपको उतना अजर मिलेगा। ठीक है, आपके सदका जारी बेहतरीन, और उस इंसान के लिए भी जिसको आप शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जहन्नम या जन्नत में जाने की चांसें थोड़े बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी नेकियां क्यों ना हो जन्नत में इंसान दाखिल नहीं हो सकता कि अगर शिर्क राई के दाने के बराबर भी हो। तो किसी भी मामले में शिर्क है में मुबतला है तो शिर्क से सफाई करनी है इंशाल्लाह, अपनी भी और अपने अजीजों की भी, अपने दोस्तों की भी इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहु व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।